जिस रिश्ते की आप दुहाई दे रहे हैं वो टूट चुका है, खत्म हो चुका है। मैं आपकी पत्नी थी, अब नहीं हूं। अनु प्लीज। अनु नहीं, अनुपमा। अनुपमा। मन पे एक बार नाम लिखा जाता है और एक बार मिटाया जाता है। मैं आपका नाम लिख भी चुकी हूं और मिटा भी चुकी हूं, बस अब कहानी खत्म। आपका एक्सीडेंट हुआ तो सब परेशान थे, इसलिए जब आपने घर में आने की बात कही तो मैं चुप रह गई। आप यहां आए, मैंने आपका ख्याल रखा और मैं आपका ख्याल रखूंगी, पर सिर्फ बाप बापूजी और बच्चों की खातिर, इंसानियत की खातिर, और सिर्फ तब तक जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। जानता हूं, लेकिन तुम नहीं जानती कि मैं अब यहां रहना चाहता हूं हमेशा, अपने घर में, अपने परिवार के बीच तुम्हारे साथ। मैं अब तुमसे दूर नहीं जाना चाहता अनुपमा। सारे फैसले आप अकेले नहीं ले सकते। अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी औरत से प्यार करने का फैसला आपका था, और आपको अपनी जिंदगी में वापस न लेने का फैसला मेरा है। मैं कोई खिलौना नहीं हूं कि जब मर्जी फेंक दिया, जब मर्जी उठा लिया। खिलौने का अपना मन, अपनी मर्जी नहीं होती, पर मेरी है। और जब आप काव्या से प्यार करते हैं तो ये सब बातें मुझसे क्यों कर रहे हैं? पहले काव्या के लिए आपने मुझे धोखा दिया, अब मेरे लिए काव्या को धोखा दे रहे हैं। ना उसकी मर्जी पूछी, ना मेरी मर्जी पूछी। एक दिल तोड़ने का पाप आप कर चुके हैं, अब दूसरा दिल तो मत तोड़िए। आपको वापस जाना होगा। अनुपमा प्लीज, डोंट डू दिस, सब बिखर जाएगा। सब बिखर चुका है। रिश्ते कांच के होते हैं, एक बार टूट जाए तो फिर जुड़ते नहीं। आप पहले जैसे हैं कि बदल गए हैं मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना जरूर पता है कि मैं बदल गई हूं। अब आपकी कोई भी बात, कोई भी माफी, कितना भी पछतावा मेरे फैसले को नहीं बदल सकते। जिस मोड़ पर आप मुझे छोड़कर गए थे वहां से मैं इतना आगे बढ़ चुकी हूं कि अब वापस नहीं लौट सकते, इसलिए अब आप ही को लौटना पड़ेगा। काव्या ने जो मेरे साथ किया वो मैं उसके साथ नहीं कर सकती। आप लोगों के लिए रिश्ते खेल होंगे, पर मेरे लिए नहीं है। अनुपमा, अनुपमा प्लीज, गुस्से में कोई डिसीजन मत लेना, मेरी बात तो सुनो। मशीन रख रही हूं, सारे पैसे किस्तों में चुका दूंगी। अनुपमा, सब कुछ बोल दिया पर वही नहीं बोल पाया जो बोलना चाहिए था। अनुपमा का गुस्सा अपनी जगह सही है, मुझे उसकी जिंदगी में वापस आना है तो कोशिश भी मुझे ही करनी पड़ेगी, और अनुपमा से अपने दिल की बात कहनी होगी, वो भी जल्दी ही। यो रॉकस्टार, क्या हुआ मम्मी? हुआ कुछ नहीं, पर ये कोशिश कर रहे हैं कि कुछ हो जाए। मैंने इनका ख्याल रखा और इन्होंने मेरी देखभाल का गलत मतलब निकाल लिया। समर, इन्हें यहाँ से जाना होगा, ठीक होते ही इन्हें यहाँ से जाना होगा। गलत मतलब निकाल लिया, क्यों जाना होगा मम्मी? क्योंकि वो मेरी जिंदगी में फिर से आना चाहते हैं समर, फिर से मेरे पति बनना चाहते हैं। पर जाने से क्या होता है, मैं भी चाहती थी कि मेरा घर ना टूटे, मेरा पति मुझे धोखा ना दे, जो चीजें जैसी चल रही वैसी ही चले। लेकिन
चीजें चाहने से नहीं करने से होती है, और मैंने फैसला कर लिया, और चाहे कुछ भी हो जाए ये फैसला नहीं बदलेगा। अरे कन्या का दान होता है अपने पति का नहीं, और कौन सी पत्नी अपने सौतन को अपना पति दान करती है? बाप मम्मी तू चुप कर, वनराज ने गलती की तो तूने उसे घर से निकाल दिया, अब मेरे बेटे को उसकी गलती का एहसास हो रहा है, पछतावा हो रहा है, उसे सुधारने की कोशिश कर रहा है, तो तू क्यों मुंह फुला के घूम रही है? लीला मेरा बेटा दुनिया का पहला आदमी नहीं है जिससे गलती हुई है, और तू दुनिया की पहली पत्नी नहीं है जिसके साथ ये हुआ है, पर तू जो कर रही है ना दुनिया में पहली बार जरूर हो रहा है। अरे कौन सी पत्नी अपने पति को सजा देने के लिए अपना घर जला देती है? अरे घर तो तेरे बेटे ने जलाया है लीला, और तू चाहती है कि तेरे बेटे ने जो कुछ भी किया उसे भूल कर बहू उसे अपना ले वापस? अरे भूल के अपना है कि याद करके अपना है? बस अपना ले। मेरे बेटे ने जो किया उसकी सजा उसे मिल चुकी है, मैंने उसे थप्पड़ मारा, इन्होंने घर से निकाल दिया, हम सब ने मुंह फेर दिया, यहाँ तक कि भगवान ने भी उसे सजा दे दी, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, अब तू क्या जान लेगी या जिंदगी भर सजा देगी? बाप ऐसे क्यों कह रही है? समर अब क्या हाथ छोड़ती हूँ, अंदर इसी बात पे झगड़ा करके आई हूँ और नहीं। हाँ तो हमें भी कोई शौक नहीं है एक ही बात पर बार बार चीखने चिल्लाने का, पर तू ना अब ज्यादा खींच रही है। मेरा बेटा गलत करे तो दिक्कत, वो सही करे तो तू खुश नहीं है, उसने जो किया वो तुम्हें याद रहता है पर अभी जो कर रहा है वो तुझे नहीं दिख रहा है। अरे वो मैदे की कटोरी सामने रहने आई फिर भी उसकी परवाह न करते उसने उस नागिन के सामने तेरे लिए झगड़ा किया, नया वॉशिंग मशीन लेकर आया, पर तू है जो श्रीदेवी बन के घूम रही है। बस बस कर लीला। बापूजी मैं क्यों बस करूं? इसे कहिए ना बस करने को, अगर सारी पत्नियां अपने पति को माफ करना छोड़ दे ना तो एक ही दिन में सब परिवार टूट जाएंगे। हर बार पत्नी क्यों माफ करे? पत्नी माफ करती है क्योंकि पत्नी ही माफ कर सकती है। एक औरत का दिल बड़ा होता है जो खुद से पहले अपना परिवार का सोचती है, तो तू क्यों अपना दिल छोटा कर रही है? माफ कर देना मेरे बेटे को। कभी कभी मुझे लगता है कि जिस देश में तेरे जैसी माँ हो वहाँ वनराज जैसे बेटे नहीं होंगे तो और कैसे होंगे? मतलब सब गलती मेरी है? सब तो नहीं लेकिन बहुत सारी तो है ही। आप चुप रहिए और तू कान खोल कर सुन ले, मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा, यही रहेगा इस घर में जब तक उसका मन करेगा, वो कल जाए चाहे परसों जाए या एक साल बाद जाए या जिंदगी भर ना जाए, उसकी मर्जी, तू कोई नहीं होती है उसे इस घर से निकालने वाली। अगर मैं मेरे बेटे को उसकी गलती पे थप्पड़ मार सकती हूँ ना तो तेरी गलती पे तुझे बोलूंगी, डांटूंगी, समझाऊंगी, और जरूरत पड़े तो तेरे कान पे भी। ये बात अगर तूने पूरी की ना तो तेरे जीवन भर की पूजा निष्फल जाएगी। ये घर की लक्ष्मी है लक्ष्मी, और घर की लक्ष्मी पर आग भी नहीं उठाते, और तू उस पर हाथ उठाना चाहती? अरे ये घर की लक्ष्मी है तो मैं क्या घर की चुड़ैल हूँ? कभी कभी सही रास्ते पर लाने के लिए शक्ति बरतनी पड़ती है। तुझे किसने कहा कि ये रास्ता सही है? सही है तभी तो हजारों साल से औरत यही रास्ते पर चली आ रही है, और तुझे भी चलना पड़ेगा। मम्मी आप कुछ कह क्यों नहीं रही है? सुन ले मेरा बेटा घर छोड़ के नहीं जाएगा, तुझे अपनी अकड़ और जिद छोड़नी पड़ेगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं मेरे बेटे को घर से निकाल सकती हूँ तो बहू को भी घर से निकाल सकती हूँ। और मुझे गुस्सा आया तो मेरी पत्नी को भी निकाल सकता हूँ। चलो अंदर चलो चलो। अरे अभी भी समय है संभल जा, नहीं तो पछतावे के अलावा हाथ में कुछ नहीं आएगा। मम्मी मम्मी कोई कुछ भी कहे मैं आपके साथ खड़ा हूँ, और आपको किसी के भी प्रेशर में आके ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं जो आपका दिल नहीं कह रहा है। मम्मी आपको आगे बढ़ना है ना, अगर आगे बढ़ना है तो कमजोर नहीं होना है। मम्मी आप वो करिए जो आपका दिल कह रहा है, और अगर मिस्टर शाह को कोई गलत फहमी हुई है तो वो गलत फहमी को क्लियर करिए, आप उनसे साफ और क्लियर वर्ड्स में कह दीजिए कि वो यहाँ से चले जाए। सही कह रहे तू समर, मुझे उनसे साफ साफ बात करनी पड़ेगी।
अनु, मैं जानता हूं कि एक छत के नीचे रहकर भी हमारे बीच बहुत लंबे फासले, पर मैं ये फासले तय करके रहूंगा। तुम्हें यकीन दिला के रहूंगा कि मैं बदल गया हूं। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है वनराज, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, लेकिन तुम जो कर रहे हो उसने मुझे भी एक डिसीजन लेने पर मजबूर कर दिया है। शायद हम दोनों के लिए यही फैसला सही है। जब आदमी नहीं झुकता है तो वो खुद टूट जाता है, पर जब औरत नहीं झुकती है तो पूरा परिवार टूट जाता है। बहू को झुकना पड़ेगा, वनराज को माफ करना पड़ेगा। एक औरत होके तू चाहती है कि औरत हमेशा झुकती रहे? हाँ, क्योंकि आदमी और औरत में फर्क होता है। आदमी गिर सकता है और औरत उठ सकती है, वो देवी बन सकती है। अरे वो उसे तो पूछ कि उसे देवी बनना है कि नहीं। लीला, लीला उसे इंसान बनने दे। ये महानता का बोझ उसके कंधे पर मत डाल, उससे भगवान बनने की उम्मीद मत रख। अरे भगवान भी इतनी अकड़ नहीं दिखाता है। इंसान अगर पश्चाताप करे ना तो भगवान भी माफ कर देता है। भले आज बहू इतनी अकड़ दिखा रही है, पर एक ना एक दिन उसका गुस्सा शांत हो जाएगा और वो वनराज को माफ कर देगी। ऐसा नहीं होगा। होगा, आप मर्द हो, आप औरतों को नहीं समझ सकते। अरे आज बहू का दिल टूटा है, भरोसा टूटा है, पर समय के साथ साथ वो भी जुड़ जाएगा, दिल भी जुड़ेगा और उन दोनों का रिश्ता भी। और आप ये बात ना लिख के लेना मुझसे। अनिरुद्ध काव्या के घर क्यों आया है? जरूर काव्या ने खुद ही बुलाया होगा, वरना उसे कैसे पता चला काव्या भी यहाँ रहती है। पर काव्या ने उसे बुलाया क्यों? वो दोनों इतनी देर से अंदर क्या बातें कर रहे हैं? शाम को मिल सकते हो? थोड़ा अर्जेंट है इसीलिए मिलने के लिए कह रही हूँ। अनिरुद्ध के बारे में बात करना है। ओके। पापा, नेक्स्ट मंथ मेरे स्कूल वाले ना हमें पिकनिक के लिए नैनीताल लेकर जा रहे हैं। स्वीटी, इस बारे में हमारी बात हो चुकी है ना बेटा? बात नहीं हुई थी मम्मी, आपने साफ साफ मना कर दिया था, इसलिए पापा से कह रही हूँ। पापा, आई रियली वॉन्ट टू गो, मुझे जाना है, प्लीज पापा, प्लीज मुझे जाना है। इतनी दूर तो अकेले कैसे जाएगी? मम्मी, मैं अकेले कहाँ, मेरी फ्रेंड्स टीचर सब होंगे मेरे साथ। पापा मम्मी को बोलो ना प्लीज। अनुपमा, आई नो कि तुम पाखी को पिकनिक पे अकेले क्यों नहीं भेजना चाहती हो। तुम्हें लगता है कि पिकनिक पे सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा, और पाखी अभी भी छोटी, लेकिन उसे कभी ना कभी तो सब कुछ करना ही पड़ेगा ना, सीखना तो पड़ेगा। तुमने कितनी सारी चीजें सीखने में देर लगा ली, जैसे गाड़ी चलाना, जॉब करना। तुम चाहती हो पाखी के साथ भी ऐसे ही हो? तुम चाहती हो कि हमारी पाखी भी ये सब कुछ देर से सीखे? वैसे अगर पैसे की बात है तो मैं हूं ना। देखा, मेरा बेटा कितना समझदार है, कितनी अच्छी तरह से उसने बहू को भी समझा दिया। वैसे मैं अपना फैसला तुम पर नहीं थोपना चाहता, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो चीजें हम लोग नहीं कर पाए ठीक से कम हमारे बच्चे तो कर लें। हमने बचपन से जिम्मेदारियों को संभाला है, कम से कम हमारे बच्चे अपनी लाइफ एंजॉय कर लें। इनफैक्ट मुझे लगता है कि हम सब भी एक दो दिन के लिए नैनीताल क्यों ना चले, बाकी के आसपास भी रहेंगे और छुट्टी भी हो जाएगी, मजा आएगा। And I think it's a good idea. मतलब आप हमारे साथ ही रहेंगे? हाँ बेटा। Yes, 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 I knew it, पापा। मुझे पता था आप हमें छोड़ के नहीं जाएंगे, और अगर आप जाने की कोशिश भी करते ना तब भी मैं आपको रोक लेती। Yes, 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 पापा हमारे साथ ही रहेंगे।
रहा तुम्हारा स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। पता नहीं लड़कियों को स्ट्रॉबेरी फ्लेवर कैसे पसंद आ सकता है, जस्ट बिकॉज ये पिंक होता है इसलिए पीती हो ना। रिलैक्स, अगर देख भी लूंगा तो तुम्हारा डायरी का कंटेंट वायरल नहीं कर दूंगा। एंड बाय द वे, ऐसा क्या है तुम्हारी इस डायरी में जो तुम इतना सीक्रेटिव हो रही हो? कुछ नहीं, ऐसी टाइम पास है। लॉल मींस लॉट्स ऑफ लाइफ समाई हुई है तुम्हारी इस डायरी में, और इसके एक पन्ने में मेरा जिक्र भी है। दोस्त से कुछ भी छुपाया नहीं जाता है, इसलिए बता रहा हूं। वो उस दिन सॉरी एंड डोंट वरी, आई वोंट लेट एनी मिस हैपन, दैट्स माय प्रॉमिस। हाउ डेयर यू, तुमने बिना मेरे परमिशन के मेरी पर्सनल डायरी को छुआ भी कैसे, और तुमने मुझे बताया भी नहीं। कुछ बातें बताने का मौका नहीं मिलता, हिम्मत नहीं होती है। ठीक वैसे ही जैसे तुम मुझे मिस्टर शाह और काव्या के बारे में नहीं बता पाई थी। नंदू प्लीज ऐसे गुस्सा होके मत जाओ ना। समर ली माय हैंड। नंदू प्लीज मेरी बात तो सुनो एक बार। समर ली माय हैंड। आई एम सॉरी। ली माय हैंड समर। नंदू आई एम सॉरी। ली माय हैंड। मम्मी। हाँ आप ठीक हैं? हाँ आई नो इस वक्त आप क्या फील कर रही हैं मम्मी। मन जब बेचैन हो तो वहां जाना चाहिए जहां आपको शांति मिलती हो। सुबह बा ने आपको बहाने से मंदिर भेजा था, पर अब आप अपने ले जाइए मम्मी, आपको अच्छा लगेगा। सुबह से देख रही हूँ मम्मी, झगड़े बहस कहा सुनी, एक पॉइंट के बाद ना दिमाग जैसे काम करना बंद कर देता है। इसलिए आप वहां जाइए जहां आपको शांति मिले, और आपको शांति कान्हा जी के मंदिर में ही मिलेगी। ठीक है, शाम को हुआ आऊंगी। अनुपमा शाम को मंदिर जा रही है, यही मौका है अनुपमा से अपने दिल की बात कहने का। पर शाम को तो मुझे काव्या से मिलना था, काव्या की बात बाद में सुन लूंगा, पहले अनुपमा से अपने दिल की बात कहनी है। आप यहां? अनुपमा बेटा, पूजा की थाली। वनराज जी आप भी आ गए। कान्हा जी आप दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखें। अनुपमा बेटा आप भूल गई, आज शुक्रवार है, माताजी को सिंदूर तो चढ़ाते जाइए। जय श्री कृष्ण। सिंदूर चढ़ाने की एक रस्म तुमने पूरी कर दी, एक मैं पूरी करना चाहता हूं। नहीं, नहीं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।
लड़की बड़ी अनजानी है, सपना है सच है कहानी। आ रही है रुकमणी, खेलने आपके साथ आंख मिचोली 22 जनवरी से शाम 6:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।